कपड़े किसे नहीं पसंद, नया स्टाइल, नया अंदाज, excuse me, bitch. और आजकल सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है फास्ट फैशन. फास्ट फैशन, इतने अच्छे कपड़े, सुपर फास्ट, सुपर चीप. ट्रेंड्स हर हफ्ते बदल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपके नए कपड़े बोरिंग लगने लगते हैं. तो और खरीद लो, अभी तो सेल भी चल रही है यार. और पुराने कपड़ों का क्या? उनको मैं डोनेट कर देती हूँ. ओहो, एनजीओस को तुम्हारे बिकिनीस, तुम्हारी मिनी स्कर्ट की जरूरत नहीं है. वो भी तुम्हारे कपड़े कचरे में फेंक देंगे. या शख्स, हमारे क्लॉसेट्स की तरह हमारे लैंडफिल्स भी पुराने कपड़ों से भरे पड़े. ग्लोबली 10,000 करोड़ से भी ज्यादा नए कपड़े हर साल बनते हैं और इसमें से 30% बिकते भी नहीं. इंडिया को ले लो तो 78 लाख टन टेक्सटाइल वेस्ट हर साल फेंका जा रहा है. इतना ही नहीं, इन कपड़ों को डीकम्पोज होने में 200 साल लग सकते हैं. तो 200 साल हम रहे ना रहे, हमारे क्रॉप टॉप्स और अंडरवेयर इस प्लैनेट पे रह जाएंगे. इसका सोल्यूशन क्या है? कचरे से खजाना. शख्स, मैं हूँ अल्फिया. और मैं हूँ सना. और हम हैं बॉम्बे क्लोजेट क्लेंस, इंडिया का पहला थ्रिफ्ट प्लेटफॉर्म जहाँ आप प्री-ओन्ड कपड़े थ्रिफ्ट कर सकते हैं. सिंपल, प्री-ओन्ड कपड़ों को रीयूज करना थ्रिफ्टिंग कहते हैं. थ्रिफ्टिंग इंटरनेशनली तो काफी पॉपुलर है, पर हम इंडियंस तो बरसों से थ्रिफ्टिंग में माहिर हैं. इधर का माल उधर, जैसे सारा के कपड़े मम्मी मुझे पहनाती हैं और कॉलेज में अल्फिया मेरे कपड़े चुरा लिया करती थी. वेयर्स माय रेड टॉप? इंडियन के जो माइंडसेट है वो बचत करने का है, रीयूज करने का है, यही हमारा कॉन्सेप्ट. बॉम्बे क्लोजेट क्लेंस पे आप प्री-ओन्ड कपड़े शॉप, स्वॉप या सेल कर सकते हैं. हम इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ब्रांड है जहां आपको अपने पुराने कपड़ों के लिए अपफ्रंट पेमेंट मिल सकता है. ये बिजनेस हमने सना के खुद के क्लोजेट क्लेंस से स्टार्ट किया है और आज तक हमने 5,000 से ज्यादा क्लोजेट क्लेंस किए हैं. हमारा फोकस है ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस, इसलिए मुंबई में हमारे 2 एस्टेब्लिश्ड ऑफलाइन स्टोर्स है. पर हमारे आउट ऑफ मुंबई कस्टमर्स और फैंस के लिए हमारी वेबसाइट भी है. शार्क्स, हमारा मिशन है कि हम प्री-ओन्ड कपड़े रीयूज करें, उनकी लाइफ साइकिल बढ़ाएं और किसी भी तरह उन्हें लैंडफिल से जाने से रोकें. और इसके लिए हमारी आस्क है 1 crore for 2.5% equity. So Sharks, let's go thrifting. Wow. The Sana and Alfia. Yes. It was an entertaining pitch, I must say. Super. Thank you. Why don't we start with first knowing about you? आप दोनों sisters हैं? Yes. जी. तो आप अपना background बताइए, क्या करा आपने, पढ़ाई करी और ये कैसे start हुआ? So Sharks, मैं Alfia हूँ, मैं 26 years old हूँ. मैंने मेरी पढ़ाई के लिए मास मीडिया किया है और मेरी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग के साथ थी. बीसीसी के पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती थी और मैं मेरे फ्रीलांस क्लाइंट्स भी थे और मुझे ब्रांडिंग में बहुत दिलचस्पी है, तो इसलिए ये मेरा बेबी है. आप साउथ बॉम्बे में रहती हैं? नहीं, आपका एक्सेंट थोड़ा हिंदी में, एक्सेंट लाइक काफी यूनिक. मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इसके लिए. एक्सेंट के लिए या हिंदी के लिए? हिंदी के. हिंदी के लिए. थ्रिफ्ट में मिला एक्सेंट की इसे एक्सपेंसिव हुआ. एक्सपेंसिव. बैंजा रेंट्स देने पड़े. मैं एक्चुअली क्वालिफिकेशन से डेंटिस्ट हूँ. Oh. Oh my God. Wow. बड़ी कौन है तुम्हारे में से? मैं. आप बड़ी. मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता. लेकिन I'm 34 years old. Wow, 34? No way. Oh my God, and I love your boots and what you're wearing. You should model for Quench. I think so. Please. डेंटिस्ट्री मैंने 2011 में ख़त्म करी. एक साल लोगों के मुंह साफ किए बहुत सारे, लेकिन लगा कि मुंह का कचरा साफ करने से अच्छा दुनिया का कचरा साफ करती हूँ. क्रेजी हो यार तुम लोग. तो मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी शॉपहॉलिक थी. मेरे कुछ 700 या 800 कपड़े हो गए थे जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी. तो हमने सोचा कि इसको बेच के देखते हैं, काफ़ी सारे टैग्स के साथ कपड़े हैं, शायद लोग इंटरेस्टेड हो. अल्फिया को फ़ोन किया मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनर हो प्लीज़ मेरा कुछ बना दो. इंस्टाग्राम पे इसका ज़्यादा था कि कैसे, मैं तो उसने एक दो ऐसे फॉरवर्ड्स लिख दिए, बना दिए कि यू नो वी आर डूइंग अ गराज सेल, प्लीज़ कम. कुछ 80 लोग मेरे घर पे आ गए थे. कैसे शॉपिंग? 80 लोग कहाँ गए?
80 लोग मेरे घर पे आए। You're amazing. 2020 में एक्चुअली हमारा बिजनेस ब्लो अप हो गया इंस्टाग्राम पे। एंड अभी सीईओ कौन है आप हैं? तो आपका इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं? Yes, please, of course. Impressive. How many followers? 72,000 से ज़्यादा। Oh wow. I've heard of you guys, by the way. ये बुटीक अगर आप देखेंगे थर्ड वाला तो यहाँ पे आपको हमारा बांद्रा स्टोर दिख जाएगा। अभी हमारे पास दो स्टोर्स है, एक वर्सोवा में और एक बांद्रा। नहीं अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है और प्रॉब्लम भी है और सॉल्व भी हो गया। तो आपकी कितनी सेल है और कितना पैसा कमा रहे हो? तो ये फाइनेंशियल ईयर हमने 1.9 करोड़ के सेल्स करे। वेरी नाइस। पिछले 6 महीने में कितना कर लिया? अभी अब तक हमने अक्टूबर तक 1.5 करोड़ किया। लास्ट मंथ कितना? 20 लाख। 60% बांद्रा स्टोर से आता है लगभग, और तो 12 लाख एक स्टोर से, 6 लाख 8 लाख दूसरे स्टोर से। बहुत ही छोटा परसेंटेज 3-4% वेबसाइट से आता है। तो इस ईयर पूरा कितना करोगे? तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2.5। प्रॉफिट कितना? 15% इवेंचुअली आ जाएगा। ये हमने एक्चुअली आपके लिए लगाया था। Oh, it's lovely. ये 7,500 क्या है इसमें? ये प्राइस टू द कंज्यूमर है? Yes. हाँ। तो ये इसका ओरिजिनल क्या? ये एटलीस्ट 50,000 का होगा। सॉलिड है, 7,000 रुपए का। सना अल्फिया, तो मैं आपके दुकान में आ गया सूटकेस लेके, उसमें है 50 कपड़े। अभी वहाँ पे आपका दुकानदार मिल गया मुझे, मैंने सूटकेस रखी, क्या होगा सर? पहले तो मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ कि कैसे हम लेते हैं, क्योंकि हम वॉक इन अलाउ नहीं करते हैं। ये पहले हम करते थे तो लोग, जैसे आपने कहा, सूटकेस लेके 2-3 भर के आ जाते थे, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है वेयरहाउस में। तो अब हम एक स्लॉट बुकिंग सिस्टम करते हैं। Right. तो हर मंथ थोड़ा हाइप भी होता है उससे कि ये लोग स्लॉट्स खोलने वाले हैं रीसेलिंग के। तो सबसे पहले हम कस्टमर को ऑलरेडी बोल देते हैं कि आप ही खुद स्टेन्स या डिफेक्ट्स चेक करिए, आप कपड़े धो के लाए कि वो अच्छी कंडीशन में हो। उसके अलावा ब्रांडेड और प्रीमियम कपड़ों के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और थर्ड है स्टाइल। तो अगर कुछ चीज़ लाइक टैग के साथ आई है पर वो रेलेवेंट नहीं है तो हम कम पैसे देते हैं। और कुछ चीज़ तो जो ट्रेंड है, दुकानदार वो जो है बाइंग एक्सपर्ट, उसे ये सब पता है। Yes. हाँ, ये यूजुअली फैशन कोई गाइड बुक है उसके पास कि वो अपने बस दिमाग में बस ट्रेनिंग की हुई? उसमें पूरा एक गाइड रहता है, थोड़े बहुत जो बेसिक ब्रांड हम ज्यादातर यूज करते हैं उसका एक प्राइसिंग गाइड होता है, वो सब पढ़ के आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं। Now we're talking. Okay. हम मैक्सिमम मिनिमम भी बोलते हैं, हम 10 बोलते हैं मिनिमम है और 100 बोलते हैं मैक्सिमम। हम एक स्लॉट में हमें दे सकते हैं। आपने एक फिल्टर लगा दिया वहाँ पे, which is very good, which is an excellent process. फिर वही प्राइसिंग गाइड यूज करके हमारे स्टोर मैनेजर्स उसको असेस करते हैं। अच्छा, स्टोर मैनेजर स्टोर भी चला रहे हैं और खरीद भी रहे हैं? हाँ, खरीदते भी हैं। हम फिर भी पुश करते हैं स्टोर क्रेडिट के लिए, जो ज्यादा अच्छी डील है लोगों के लिए। स्वॉप हम उनको डबल वैल्यू देते हैं। तो जैसे मैं 1,000 में खरीद रही हूँ तो उसकी जगह हम उन्हें 2,000 स्टोर क्रेडिट देते हैं। ज्यादातर जो यंग है ऑप्शन चूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन स्टोर क्रेडिट में यू गेट ओनली हाफ द वैल्यू, क्योंकि आप 2x क्रेडिट देते हैं, आपका मार्जिन कम हो गया। नहीं, बिकॉज़ तो नुकसान वाला डील है आपके लिए, मोटा मोटा बोला है। बट मैं फिर भी ये मैथ समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देखिए, किसने आपको 1,000 रुपए का माल बेचा? आपने जो 1,000 रुपए का दुकान में बेचने वाले थे, इंस्टेड ऑफ दैट आपने उसको 2,000 का क्रेडिट दे दिया। Yes. तो नेक्स्ट टाइम वो जब आएंगी तो 2,000 रुपीस का माल ले जाएंगे ना, इंस्टेड ऑफ 1,000। पर हम उनके कपड़ों से भी तो कमा रहे हैं ना। वो ठीक है। तो इसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे एक चीज हो रही है जिसके कारण से आपकी फीलिंग है कि आपके लिए बेटर डील है, बट विच इज नॉट मैथमेटिकल। यहाँ पे आपका ना डिमांड शायद बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब आप उसको स्टोर क्रेडिट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका डिमांड बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो बंदा खरीद ले रहा है, अदरवाइज वो खरीदता ही नहीं। बट मैथमेटिकली अगर लेंगे तो ये लॉस का बिजनेस, लॉस का नहीं है, लेसर लॉस, लेसर मार्जिन्स का है। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझा दोगे? तो 500 हमारा एएसपी है, उसमें से 5% जीएसटी निकल जाता है। 475 में 120 हमारा कॉग्स है। इसके बाद जो 355 बचता है उसमें मेरा 248 अभी फिक्स्ड एक्सपेंस है। मार्केटिंग अराउंड 6% मेरा कैक होगा, पर हाई एस्टिमेट है क्योंकि हम इतना स्पेंड करते नहीं। आप सैलरीज लेती हैं? Yes. Yes. कितना सैलरी लेती हैं? मैं 80 लेती हूँ। मैं 1 लाख। जो प्रॉफिट आपने बताया, दिस इज आफ्टर योर सैलरीज? हाँ, मतलब हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारी सैलरी भी इंक्लूडेड है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो प्रॉफिट से आपने बताया 15% का प्रॉफिट है, दोनों दुकान में 15-15% का प्रॉफिट है? जो वर्सोवा वाला है वो तो अभी जून में खुला है। पिछले साल आपने सेल बोला 1.9 करोड़।
तो उस टाइम पे एक ही दुकान थी? उस टाइम पे एक दुकान, मतलब एवरेज महीने का सेल 16 लाख रुपए हुआ। हाँ, यस। और इस साल आप कह रहे हैं दुकान का एवरेज सेल 12 लाख पहुंच गया है। हाँ, तो सेल गिर गया है पर थोड़ा कैनिबलाइजेशन हो गया है। ये दूर दो दुकान पे कैनिबलाइज हो गया आपका, तो इसका मतलब मार्केट तो है ही नहीं। पर हम इतने लोगों को पहुंच भी तो नहीं पा रहे हैं ना, मतलब इतने लोग हैं ही नहीं ना। एक सेकंड, मैं आपका नेट मार्जिन समझना चाह रहा था कि इन्वेंटरी विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस, बिकॉज़ मैं मानता हूं आपने 100 खरीदे तो आगे कितना परसेंटेज बिक जाता है, कितना डेड तो हो जाता हमारा है? हमारा डेड स्टॉक इतना रहता नहीं, क्योंकि हम ये 99 में कभी कभी 50 रुपीस में भी क्लियर कर देते हैं। तो हमारे जैसे 3,500 कुछ प्रोडक्ट्स मंथली बिक जाते हैं, ऑन एन एवरेज कुछ 4,500-5,000 हम अंदर लेते हैं उस मंथ। कितना परसेंट ऑफ द इन्वेंटरी आपको क्लियरेंस सेल में डालना पड़ता है? अबाउट 1,000-1,500 पीसेस मुझे डालने पड़ते हैं ऑन अ मंथ। हाँ, तो परसेंटेज में वो हो जाएगा। आप 4,000 बाय करते हैं ना, तो 25%। हाँ, 25%। और आपका जो ये प्रॉफिटेबिलिटी 15% है, उसमें आपने ये जो डेड इन्वेंटरी है इसका प्रोविजन लिया है? हम इसको इन्वेंटरी रखते हैं। ये मानना ठीक रहेगा कि ये 15% में से 5-10% और जाएगा जब ये इन्वेंटरी का लॉस बुक करेंगे बुक्स में? नहीं, क्योंकि वो हमेशा क्लियर हो जाते हैं, हमें बहुत कम इन अ मंथ। जो आपने 100 का खरीदा 50 का बेचा, उसमें आपको 50 रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वहाँ आप नेट लॉस करेंगे वो वाले प्रोडक्ट्स पे? वो वाले प्रोडक्ट्स पे यस। तो आप मंथली बुक कर रहे हैं ना? मतलब नहीं, अभी बुक नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं बुक। अल्फिया सना, yes. आपसे मिलकर बहुत अच्छा Thank लगा you. मैं अभी इससे आउट होता हूँ फॉर कपल ऑफ रीजन। एक दो शॉप चलाना, 5-10 शॉप चलाने तक मैक्सिमम ठीक है, पर ये स्केल इश्यूज आएंगे आगे जाके, क्योंकि आप क्वालिटी इस पे मेंटेन नहीं कर पाओगे जो लोगों को चाहिए। करेक्ट। सेकंड, स्टॉक इश्यूज का बहुत बड़ा इशू आएगा आगे जाके। आपका स्टॉक बिकेगा नहीं ना, तो धीरे धीरे आपकी ये क्लियरेंस सेल का प्राइस कम होता रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो अल्फिया अंसना, जो मुझे चैलेंज लग रहा है इसमें, जैसे आपने बोला कि दूसरा स्टोर खुलते ही पहला स्टोर कैनिबलाइज हो गया। करेक्ट। इसमें डिमांड कितना है वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक छोटा आपका अच्छा बुटीक बिजनेस बन जाएगा, आप पैसे बना लोगे, बट ये कितना स्केलेबल है वो मुझे अभी दिख नहीं पा रहा है। तो उस रीजन से मैं आउट होना चाहूंगा। बट इंडिपेंडेंटली आपके लिए एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आप पर्सनली एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। दो चीजें आपको रेकमेंड करूंगा मैं। एक तो आप प्लीज थोड़ा सा ऑपरेशनली बिजनेस को स्ट्रांग बनाइए, थोड़ा सा टीम में अब इन्वेस्ट करिए, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, बिकॉज इन्वेंटरी विल बिकम योर प्रॉब्लम। सेकेंड, मुझे लगता है अभी जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, ये थोड़ा सा वो बाजार वाला लग रहा है। एंड आई थिंक चाहे आप सस्ता बेचें पर एस्पिरेशन को कम ना करें। अभी थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इससे बाहर हूं। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे जल्दी से बताइए, इक्विटी स्प्लिट क्या है आपकी? 60-40 मेरा, 60-40 अल्फिया का, 40। बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस अभी नेगेटिव है। नेगेटिव? बैंक बैलेंस नेगेटिव कैसे होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि हमने अभी एक अनसिक्योर ओडी ली है। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका हुआ है? एज इन वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन जानती हो? इन्वेंटरी, वही तो प्रॉब्लम है। और रिसीवेबल, इन्वेंटरी में कितना पैसा अटका हुआ? 4-5 लाख का। तो इसीलिए आपको जब आपने एक स्टोर खोला, आपको इन्वेंटरी सप्लायर्स को पैसे देने की जरूरत पड़ी, तो आपको ओवरड्राफ्ट करना देना। आप यहाँ पे 40 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आए, आपका प्रॉफिट इस साल का शायद 30 लाख रुपया बनेगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 लाख टू गेट टू 40 करोड़। आप मुझे बताइए, आप शार्क टैंक सीजन 3 पे आए ना? सर मेरी मैथ थोड़ी खराब है, मैं ऐसे सम 130 टाइम्स। तो व्हाई इतना, क्या बिग वैल्यूएशन? आप आइदर देखिए, आइदर आप अपना बिजनेस पिच कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट, या आप एक आगे का विजन पिच कर रही है कि इतना बिजनेस बनेगा। यस सर। आइदर ऑफ द टू आई हैव टू बिलीव, ये मुझे समझाइए आपके नेक्स्ट 3 ईयर जर्नी। हम 2-3 चीजें करना चाहते हैं। पहली बात तो, क्योंकि हमने बिल्कुल ही देखा नहीं है कि पेड मार्केटिंग से क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा आपका। Apart from that, obviously, aggressively, we want to grow and open more stores. Okay. We want to strengthen the base of operations. Of course, challenging hai, par aisa nahi hai ki nahi ho sakta. Agar hum ek central system banaye jisme kapde collect ho rahe hain aur sort ho rahe hain. Got it. Alfie Asana, aajkal fast fashion, 500 se leke 2000 rupiye tak, achche se achha maal, hot off the runway, ye raato raat bana ke bechne lagte hain. आदमी जूडियो एस्पिरेशनल टाटा के दुकान में घुस के खरीद सकता है। Why will he be seen? Why will she be seen in your shop?
दूसरी आपकी जो चैलेंज आप कह रहे हो ना कि मार्केटिंग करके आप बिजनेस बढ़ा लोगे, सुसाइड, आपकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और लास्ट मुझे लग रहा है कि आपने धंधा अच्छा बना लिया, लेकिन जो बिजनेस टर्म्स है, इन्वेस्टर स्पीक है, रिटर्न्स है, इसमें आपकी इंस्टिंक्ट नहीं है, यू वेरी अनकंफर्टेबल। गो विथ योर इंस्टिंक्ट, गो विथ व्हाट कम्स टू यू नेचुरली, तभी आप थोड़ा शायद ठीक ठाक कर पाएंगी। सो आई एम आउट, गुड लक। ओके, नो वरीज। आई रियली वॉन्टेड टू यू नो सपोर्ट टू वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग वुमेन, पर अभी बहुत सारे गैप्स हैं राइट नाउ। दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल, प्लीज डोंट गो इनटू नेगेटिव कैश फ्लो। आप अच्छे से प्रॉफिटेबली चला सकती हैं। या आई एम आउट फॉर नाउ। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय।